माइनक्राफ्ट एनिमेटेड लोगो तो आपने देखा ही होगा, कितना अच्छा लगता है भाई देखने में, और बनाना भी बहुत सिंपल है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे बना सकते हो एक प्रोफेशनल यूट्यूब बैनर, वो भी 1 मिनट में। मतलब 1 मिनट तो नहीं, 10-15 मिनट तो लग ही जाएंगे आपको, बट यार वो बैनर सुपर से भी डुपर होने वाले हैं। और हाँ, अगर आपको नहीं पता है कि आप कैसे लोगो बना सकते हो तो इस वाले वीडियो को जाके देख लेना, लेकिन ये वाला वीडियो देखने के बाद। तो यार चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना इस वाले वीडियो को, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। तो यार बातें शायद बहुत हो गई, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर में जाके बिंग ब्राउजर डाउनलोड कर लेना है, और फिर उसको ओपन करके इस वाले सेक्शन पे आके साइन अप कर लेना है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से। फिर इस वाले आइकन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, और फिर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। तो भाई अभी आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपका चैनल जिस कैटेगरी का है उसी हिसाब से आपको आपका कमांड डालना है, मतलब आपको आपका खुद का कमांड बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने इधर लिखा है मेक ए गेमिंग यूट्यूब बैनर विथ ब्लू थीम, मैंने इधर ब्लू थीम लिखा है, आप रेड येलो ग्रीन जो भी आप चाहो वो लिख सकते हो, और सिंपली आपको पेस्ट कर देना है, और फिर आपका बैनर बन के रेडी हो जाएगा। और ये देखो भाई कितना अच्छा बैनर बना के दे दिया इसने। और आपको इसके साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो। लेकिन ये देख रहे हो स्क्वायर शेप में, इसमें और थोड़ा सा काम बाकी है, मैं आपको बाद में बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अभी स्क्रीन पे जो आपको कमांड दिख रहा है वो आप स्क्रीनशॉट मार के रख लो, ये कमांड आप यूज कर सकते हो जब आप आपका बैनर बनाओगे तब। और इसका लास्ट वाला कमांड बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड है, देखो मैंने इधर लिखा है माइनक्राफ्ट गेमिंग यूट्यूब बैनर विथ डार्क थीम एंड पर्पल बैकग्राउंड, और इसका रिजल्ट देखो भाई। और मैंने यही सेम कमांड को 2-3 कलर के साथ ट्राई किया है, आप देख लो रिजल्ट्स कितना कूल लग रहा है भाई। इसी बात पे एक लाइक कर देना, और ध्यान रखना एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है अच्छे रिजल्ट्स के लिए। फिर आपको इस वाले वेबसाइट पे आके गेट स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक कर देना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इधर आके सिंपली आपको लॉगिन कर लेना है अपने जीमेल अकाउंट से, फिर 3 डॉट पे क्लिक करना है, उसके बाद AI टूल्स के अंदर जाके आपको आउट पेंटिंग के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको प्लस का आइकन में क्लिक करना है, और उसके बाद आपने जो फोटो निकाला था वो इधर ओपन कर लेना है, फिर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, और फिर इस वाले आइकन को क्लिक करके लैंडस्केप पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, और फिर जनरेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन उसके बाद आपको मिल जाएगा आपका बैनर। आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, उसके अंदर से जो सबसे आपको अच्छा लगे वो डाउनलोड कर लेना है। तो अभी 90% काम आपका कंप्लीट हो चुका है, अभी बस थोड़ा सा इतना सा काम बचा है आपका। अभी आपको जरूरत पड़ेगा आपका एडिटिंग स्किल्स की, आप पिक्सआर्ट या जो कोई भी एडिटिंग ऐप आप प्रिफर करते हो उससे आप जाके एडिट कर लो, और एडिट करने के लिए जितने भी मटेरियल चाहिए आपको वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एडिट हो जाने के बाद आपका बैनर कुछ ऐसा दिखेगा, मैंने 2-2 बनाए हैं, आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट पे जरूर से बताना। और अगर आपको बैनर के क्वालिटी को इम्प्रूव करना है तो आपको पिक्सेल कट के वेबसाइट पे आ जाना है, इमेज अपस्केलर पे जाके उसके क्वालिटी को इम्प्रूव कर लेना है, और ऐसे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है ठीक है, और लाइक भी कर देना, और शेयर कमेंट जो जो भी होता है सारा कर डालो भाई, क्योंकि इस वाले वीडियो में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगा है। अगर आपको ऐसे ही एनिमेटेड लोगो बनाना है तो उसका वीडियो भी मिल जाएगा आपको, और RDR2 का भी सीरीज आ रहा है तो उसको भी थोड़ा सा सपोर्ट करना, इसलिए सब्सक्राइब कर दो ठीक है। और बस यार आज के इस वाले वीडियो में बस इतना ही, मिलता है दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।